हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर अर्पना। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में और होम्योपैथी और होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार से आप लोगों की मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो आजकल कोरोना वायरस है, तो ये कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप लोगों ने सुना होगा कि RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि ये कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे इस टेस्ट को किया जाता है, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जो RT-PCR टेस्ट है वो हम करते हैं स्वाब से, इसमें हमें लगता है ज्यादा टाइम, ये टेस्ट होता है ज्यादा एक्यूरेट और यह है हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड। दूसरा टेस्ट है हमारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, इसको हम करते हैं ब्लड से, और रैपिड यानी कि बहुत जल्दी जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है, मिनटों में इसका रिजल्ट आ जाता है। बट अगर हम PCR से कंपेयर करेंगे तो PCR का जो रिजल्ट है वो हमें ज्यादा एक्यूरेट मिलता है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप अपडेटेड रहें। मैं जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, इसके लिए जरूरी है कि बेल बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, RT-PCR टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे RT-PCR टेस्ट यानी कि रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि COVID-19 या कोरोना वायरस के लिए यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो दो टेस्ट हैं, इसमें से एक टेस्ट में हम स्वैब से टेस्ट करते हैं और जो दूसरा है वो हम ब्लड से करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेस्ट है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, वो टेस्ट है हमारा रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट या रियल टाइम RT-PCR टेस्ट। तो इस टेस्ट को कैसे करते हैं, इस टेस्ट में आपके नाक से, ओरोफैरिंग से या नेजोफैरिंग से आपके स्वैब लिया जाता है। तो इस टेस्ट को किस तरह से लिया जाता है, इसमें स्वैब लेते हैं, जो स्वैब लेते हैं वो हमारे नेजल कैविटी यानी हमारे नाक से या हमारे मुंह से, ओरोफैरिंजल कैविटी से ले सकते हैं। तो क्या करते हैं कि एक स्वैब की सहायता से आपके नाक के अंदर स्वैब के द्वारा स्वैब को अच्छे से घुमा के टर्न करके स्वैब लिया जाता है। तो इस स्वैब में अगर वायरस है यानी कि अगर COVID-19 से आपका इन्फेक्शन हुआ है तो इस स्वैब में वो वायरस आना चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए हम RT-PCR टेस्ट हम करते हैं। तो जानते हैं क्या है ये RT-PCR टेस्ट। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दोस्तों, हमारे बॉडी में, जो हमारा बॉडी है, इसमें एक जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारा है या एक जीनोमिक स्ट्रक्चर है। तो जैसे आप अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं क्योंकि आप में उनके जीन्स हैं, मैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखती हूँ क्योंकि मुझ में मेरे पेरेंट्स के जीन्स हैं। तो ठीक इसी तरह से हम सब का एक जीनोमिक स्ट्रक्चर होता है या हमारा एक जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ही जेनेटिक स्ट्रक्चर वायरस का भी होता है। तो दोस्तों, ये जो कोविड वायरस है या कोरोना वायरस है, ये एक प्रकार का SARS वायरस है यानी कि सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस है ये, और इसका क्या जीनोमिक स्ट्रक्चर है वो हमें मालूम है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें कोविड या SARS वायरस का हमें जीनोम मालूम है उसको मैच करना है जो हमने पेशेंट के स्वाब में वायरस लिया है। तो ये जो दो हम मैचिंग करते हैं, इसी मैचिंग को हम PCR टेस्ट के सहायता से इसको हम मैच करते हैं। अब थोड़ा सा हम और समझते हैं कि ये जो हमारे जीनोमिक स्ट्रक्चर्स होते हैं या हमारे ये जीन्स होते हैं, तो ये एक DNA के माध्यम से हमारे स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट होते हैं। अब DNA क्या है, तो DNA आप ये सोचिए बेसिक एक स्ट्रक्चर है और ये सीढ़ी जैसा दिखता है और सीढ़ी को जगह जगह से हमने ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, तो ऐसा हमारा DNA का स्ट्रक्चर होता है। अब जो ये कोविड वायरस है या SARS कोविड वायरस है, तो ये है RNA वायरस। जो RNA वायरस होता है वो आप समझिए कि वो आधी सीढ़ी है, DNA में पूरी सीढ़ी है और जो RNA है वो आधी सीढ़ी है। तो अब हम कैसे मैच करेंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के माध्यम से सबसे पहले ये जो आधी सीडी है इसको हम पूरी सीडी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो आरएनए है उसको हम डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो ये डीएनए है उसको हम मैच करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी कोविड या सार्स वायरस का जीनोम है उसके साथ हम मैच करते हैं। तो सुनने में ये बहुत इजी लग रहा है, बट ऐसा इतना सिंपल ये स्टेप होता नहीं है। तो इसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं जरूर एक वीडियो डिटेल किस तरह से टेस्ट होता है विद ऑल द एंजाइम्स, तो वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट अभी हम सिंपल समझते हैं कि क्या है कि सबसे पहले आपके नेजल स्वाब या आपके ओरोफेरिंग्स में स्वाब लिया। अब स्वाब में अगर वायरस है तो ये वायरस को हमारे पास जो सार्स का वायरस का डीएनए है उससे मैच करना है। अब हमारे पास आरएनए है तो आरएनए को सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से हमने उसको ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनाया, और अब इस डबल स्ट्रैंड को हम टेस्ट करते हैं। तो होता क्या है, इसको हमें अलग अलग इसकी काफी सारी कॉपीज बनानी पड़ती है जिसको हम एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है और इसके अलग 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 कॉपीज बनती हैं, फिर उसको हम मैच करते हैं, तो ये सारा हमारा पीसीआर टेस्ट में होता है। और इससे हम पता लगाते हैं कि आप में सार्स या कोविड वायरस है या नहीं, या सार्स कोविड वायरस आप में मौजूद है या नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब कि ये मैक्सिमम ये हमारा जो टेस्ट है वो एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें हम डायरेक्टली वायरस को ही देख रहे हैं, वायरस के स्ट्रक्चर को हम टेस्ट कर रहे हैं, उसकी हम जांच कर रहे हैं, और हमारे पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीनोमिक स्ट्रक्चर है जो कि हमें पता है जो सार्स कोविड का है उसके साथ हम इसको मैच करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा हुआ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। इस टेस्ट का पूरा नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरटीपीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, तो आरटीपीसीआर टेस्ट। तो ये हो गया हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो कि हम स्वाब के माध्यम से करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टेस्ट की, जो कि है एंटीबॉडी टेस्ट या रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो दोस्तों हमारे बॉडी में अगर कभी भी कोई भी पैथोजन अटैक कर रहा है तो क्या होता है, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो आएगी और वो इम्यून सिस्टम पैथोजन से लड़ेगी। अब जब ये फाइट होगा विद द इम्यून सिस्टम एंड द पैथोजन, तो बॉडी में बनेंगे एंटीबॉडीज, और ये जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं, इस एंटीबॉडीज की हम जब जांच करेंगे तो हमें पता लग सकता है कि आप कोविड से आप इफेक्टेड हैं या नहीं है। तो ये है हमारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वो होता है ब्लड से, तो हमें एक ड्रॉप ब्लड का चाहिए होता है और कुछ ही मिनटों में हम उसको स्टडी करके बता सकते हैं कि क्या उसमें एंटीबॉडीज हैं, यानी कि जो कोविड वायरस है उसके कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। अगर हैं तो इसका मतलब संभव है कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ होगा, अगर नहीं है तो इसका मतलब कोरोना वायरस इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा। ऑल्दो जो हमारा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट है। तो दोस्तों ये है हमारे दो टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, जो हम कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया आरटीपीसीआर टेस्ट एंड रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स फैमिली तक शेयर करें ताकि उनके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है, सवाल है, कैसे होता है कोरोना वायरस का टेस्ट, क्या क्या टेस्ट है, तो इन सारे सवालों के जवाब मिल सके। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप के द्वारा केवल मैसेज भेजना है, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।